टाइमलैप्स लगा दिया है, बहुत अच्छा टाइमलैप्स आने वाला है सनसेट का। सनसेट स्टार्ट हो गया है और व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करके सनसेट कंप्लीट होगा फिर निकलेंगे यहाँ से। सो द टाइम इज़ 2 PM इन द आफ्टरनून। अभी गुरुद्वारा में थे, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। जो वहाँ के केयर टेकर हैं, बाबा जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई गुरुद्वारा के बारे में। काफ़ी एंशियंट है, 1907 में बना था एंड पहले वो राजा महाराजा लोगों का था एंड उसके बाद गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था वो। सो अभी वहाँ से निकल गए हैं और बाकी लोग हैं, उनका मन है साधु पुल जाने का। सो अभी हम लोग साधु पुल जा रहे हैं यहाँ से। सो इट्स अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून। साधु पुल यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है और सारी बाइक्स पीछे आ रही है। साधु पुल में रुक के कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से वापस देखते हैं, या तो शिमला निकलेंगे डायरेक्टली या फिर अगर काली का टिब्बा जाना हुआ फॉर सनसेट देन काली का टिब्बा चले जाएंगे। चलो आगे सारे आगे। सो अभी साधु पुल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आके थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं खाने पीने का कुछ जुगाड़ देख के खाने पीने के लिए रुकेंगे। सो दिस इज द रिवर। यहाँ पे खाने पीने का मैंने ऑलरेडी साधु पुल कवर कर लिया है तो ज़्यादा कुछ है नहीं कवर करने के लिए। यहाँ से थोड़ा बहुत लोग छलांग मारेंगे नदी में फिर खा पी के निकलेंगे यहाँ से। लंच के लिए रुके थे, लंच हो गया है, खाना कुछ खास नहीं था एंड अब यहाँ से चल जा रहे हैं काली का टिब्बा सनसेट देखने के लिए। अगर टाइम से पहुँच गए तो ज़रूर देखेंगे, अदरवाइज सीधा शिमला निकलेंगे रूम पे। अभी जब मैं सितंबर में आया था तो यहाँ पे जो शैक्स हैं ये सारे नहीं खुले थे, अभी खुल गए हैं बहुत सारे, ऑप्शंस बढ़ गया है। सो यहाँ से और 10 किलोमीटर बचा है और टाइम जो है वो 4:15 हो रहे हैं। काफ़ी लंबा दिन है आज। पहले हम लोग शिमला से निकले तो नालडेरा गए, नालडेरा से निकले फिर चैल आए, गुरुद्वारा देखा, उसके बाद फिर वहाँ से निकले तो साधु पुल आए, साधु पुल से वापस चैल जा रहे हैं काली का टिब्बा देखने और फिर वहाँ से वापस निकलेंगे शिमला के लिए। तो दिन काफ़ी लंबा है एंड मल्टीपल लोकेशन हमने कवर किया है और ये देखो व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है जंगल के बीच से।
हम चारों लाइन से जा रहे हैं और अपने कश्मीर पास ही आगे जा रहे हैं मस्त लीड करते हुए। फ्रेम में है नहीं वरना लाइन में दिख जाते। अपनी पवनीत की जो बाइक है रिफ़िल करानी पड़ेगी उसको, तो अभी आगे देखते हैं जहाँ पे भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ रिफिलिंग करा लेंगे, टाइम है अपने पास। और वापसी का जो रास्ता है वो तो लंबा ही होने वाला है। तो ये रास्ता सीधा निकल जाता है चहल और ये है अपना काली का टिब्बा जाएगा। तो अपने बंदे भी आ गए कपिल एंड प्रणय, ये लोग पीछे रह गए थे तो हम लोग इनका वेट कर रहे थे, अब ये लोग आ गए तो चलते हैं। काली का टिब्बा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बाइक सारी पार्क कर दी है, जूते खोल के वहाँ रख रहे हैं एंड अभी ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए और सनसेट भी देखने वाले हैं। थोड़ा टाइम है सनसेट में, सो जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना ये घंटी वगैरह आप देख सकते हो पैक्ड है पूरी। ये पूरा मंदिर का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो दर्शन अभी करने थे, दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी बड़े दर्शन फिर से हुए इस बार और दो तीन लोग हैं बाकी ऑलमोस्ट खाली है। और देख सकते हो आप, पाजी कैसा लगा, मज़ा आया? बहुत ज़्यादा और इतना पीस, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि कई देर तक बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, लास्ट टाइम मैं आया था तो हवा चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज हवा नहीं चल रही, बिल्कुल शांति है। और फिर बस हम सनसेट पॉइंट भी यहीं से देखेंगे, सनसेट व्यू। तो सनसेट जो है वो पीछे से दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम आया था तो सनसेट कैप्चर नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, बट आज क्लियर है पूरा तो आज कैप्चर हो जाएगा। ये वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर मेन काली माता का मंदिर है जो दिखाऊँगा मैं आपको व्लॉग में। और ये पूरा कैंपस है, व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है। बढ़िया लगा यहाँ पर पहुँचने के, एक बार ज़रूर आए, आजमाएं और चप्पल बाहर उतार कर आए बिना उसके तो आए घंटी घंटी कभी भी ना बजाएं, लेकिन चैनल पे घंटी ज़रूर बजाएं। चैनल पे घंटी जरूर बजाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सेलिब्रिटी साहब कुछ तो बोलो। बस ऐसी तरक्की कराते रहिए इनके चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट आल्सो कमेंट आएंगे।
आप भी कुछ बोलोगे सर? जान बची से लाखों भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। ये हनुमान जी का मंदिर है, बगल में गणेश जी का मंदिर है, दर्शन कर लो आप भी, काफी बढ़िया दर्शन होंगे। अपोजिट साइड अभी जाएंगे, वहाँ पे शिव जी का टेंपल है और सनसेट भी वहीं पे कैप्चर होगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि टाइम लैप्स कैप्चर कर लूँ सनसेट का, सो दैट आपको दिखा सकूँ, बहुत अच्छा होता है। फोटो सेशन चालू है नेक्स्ट लेवल पे, कपिल अपने कैमरामैन लगे हुए हैं काम पे, फिर से इनका नंबर छोड़ दूंगा, ऑर्डर दे देना फ़ोन करके। अब तो पहले फोन पे या गूगल पे करा देना, पेटीएम मत करवाना, पेटीएम में पैसे रख लिए। ये देखो सन का व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है, और यहाँ पे अभी सनसेट होगा, और ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है। मैं कहीं तेरी जड़ भी देख रहा है, उस साइड वो तो खींचता पे है यार। फोकस, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त काली माता के मंदिर। एक्शन भी दे रहा कोई भी, शांत शांत शांत। एक साथ दो काम मत करवाई। बोलू व्लॉग में टेक भी दे रहा है और फोटो भी। ओहो, आई लाइक इट। 500 रुपए पेमेंट कर भाई पहले। हमारे पवनीत भाई साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया कि सनसेट जल्दी हो, पर सनसेट है जो बिल्कुल होने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, वो चेंज नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। आप बदल जाए तो अच्छा होगा, प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। पवनीत भाई साहब का एक छोटा सा ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर उठाने गए, यहीं पे काम मिल गया है। 500 रुपए पर फोटो, 50 रुपए में काम हो जाएगा आज तो। 500 रुपए पर फोटो, यहाँ पर वो फोटो लेंगे फोटो के हिसाब से। अभी पवनीत वहां से आ रहा होगा ना, पवनीत जो से चिल्ला रहा, पैसे मत लिए पवनीत, पैसे मत लिए पवनीत जी, हमारे फोटो लेने गए यहां पे हमारे। वो दौड़ के जब बोला अंकल जी पैसे दे देना, दौड़ के जा, दौड़ के पवनीत पैसे मत लियो। और 500 तो बिल्कुल नहीं लेने ले। पवनीत वहां पे फोटो ले रहा है। नहीं नहीं, पैसे मत देना इसको, पैसे मत देना, पैसे मत देना बिल्कुल भी। विवाह शादी पार्टी हो गई। ₹500 का जो डिमांड है वो बिल्कुल बढ़ चुका है, ₹500 पर फोटो के हिसाब से। पवनीत पाजी फोटो पे फोटो खींचे जा रहे हैं और नए नोट लिए जाएंगे, और अपने कश्मीर पाजी ₹10 में व्लॉग बना रहे हैं, ₹10 पर व्लॉग के हिसाब से। जुगाड़ किया है और जुगाड़ देखो कितना जबरदस्त किया हुआ है, सेल्फी स्टिक में रबड़ वगैरह बांध के सारा। बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा ना, मतलब कुछ भी नहीं है, अपने व्यू लेने के लिए हमारे ब्लॉग को कुछ भी बोला जा रहा है, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है हमारे ब्लॉग पे, अपने पॉजिटिव व्यू लेने के लिए हमारी नेगेटिविटी। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। कलर्स ब्लॉग आएगा कहाँ पे? व्लॉग आएगा कहाँ पे, कहाँ पे डालोगे व्लॉग? ये घर पे रहेगा। आके देखना पड़ेगा घर पे, है ना? घर पे आके देखना पड़ेगा आपको। तो टाइम लैप्स लगा दिया है, बहुत अच्छा टाइम लैप्स आने वाला है सनसेट का, बस बैटरी उतनी देर तक चल जाए और कुछ चाहिए नहीं। सनसेट स्टार्ट हो गया है और व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करके सनसेट कम्प्लीट होगा फिर निकलेंगे यहाँ से। हम तो नहीं निकल रहे अभी। हम तुम्हें छोड़ के निकल जाएंगे यहाँ से, तो नहीं जा रहे। सनसेट पूरा हो चुका है, सनसेट देखा, बहुत ज़बरदस्त व्यू आया, टाइमलेस भी रिकॉर्ड किया जो आपको दिखाऊंगा। तो अभी अंधेरा होने वाला है और यहाँ से शिमला जाना ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स दूर है, तो
वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ से सूरज जरूर अस्त हो चुका है पर वहाँ पे देखिए चांद निकल चुका है, आपके घर भी चांद निकला होगा, जाके देखिए चांद को। सत श्री अकाल, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर देना। इसको सिखाओ यार, वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।